ये राजमा मैंने कैसे बनाया है इसका प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, वॉच कीजिए और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 2 कप राजमा है, इसे मैंने 4 घंटों से भिगो के रखा है। नमक, इसे अब अंडर प्रेशर पकाएंगे 4 फुल सीटी और 15 मिनट के लिए सिम पे। अब मैं गैस बंद करती हूँ और कुकर को ठंडा होने देते हैं। कुकर का ढक्कन खोलते हैं। राजमा नरम हो गए हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करने को रखा है, 1 टीस्पून जीरा, क्रश्ड लहसुन, अदरक, एक कप प्याज, टमाटर, ये अच्छे से सॉटे हो गया तो आप मिर्ची पाउडर 1 टेबलस्पून, सौंफ पाउडर 1 टीस्पून, सौंठ पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर मिक्स करते हैं। राजमा, पानी ऐड करते हैं। मैंने इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया। इसको अंडर प्रेशर 10 मिनट पकाएंगे। ढक्कन उठाएंगे, थोड़ा हिलाएंगे। ये गल गया है, राजमा तैयार है। राजमा को मैंने ट्रांसफ़र किया है बाउल में। 2 टीस्पून घी को गरम करेंगे। घी गरम हो गया, उसमें 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। अब राजमा के ऊपर गरम घी का छोंक डालेंगे, इससे बहुत ही टेस्टी बनती है ये। राजमा के ऊपर अब हरी मिर्ची स्लिट की हुई, थोड़ा धनिया, राजमा के साथ मैंने सर्व किया है। ये अनारदाने की चटनी है, ये बहुत ही टेस्टी है। और ये प्याज है, सिरके वाले प्याज हैं, इनके साथ राजमा का स्वाद तो बहुत ही अच्छा लगता है।